हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। सो अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। तो मैं वेलकम करती हूँ आपका एक और अच्छे व्लॉग में। तो अभी जो टाइम हो रहा है वो हो रहे हैं 4:30 बज रहे हैं और अभी सुबह की सहरी का टाइम हो रहा है और मम्मा भी हम सब के लिए सहरी बना रही हैं। हम लोग सहरी का वेट कर रहे हैं। जब मम्मा सहरी बनाएंगी तो हम लोग खाएँगे एंड देन हम नमाज़ पढ़ के सो जाएंगे। चने और पराठा है, मुझे मम्मा के हाथ का पसंद है, इस वजह से मैं यही खाती हूँ। सो गाइस, मैंने सहरी भी कर लिया और अब मैं नमाज़ पढ़ के अब सो रही हूँ और मैं आपको मिलूँगी सुबह जब मैं स्कूल जा रही हूँगी। तो तब तक के लिए बाय। सो गाइस, अभी मैं उठ गई हूँ और अब मैं जा रही हूँ स्कूल। इंशाल्लाह मेरा भी रोज़ा है और अभी मैं अब आपको स्कूल से आकर मिलूँगी। अरे गाइस, मैं स्कूल से आ गई हूँ और इतना थक गई हूँ क्योंकि रोज़ा भी था और ऊपर से स्कूल का वर्क पूरा सब याद करना लिखना वगैरह सब। पर सबको पता है गर्मी का मौसम है, गर्मी भी इतनी है। बस अल्लाह सब्र दे रहा है। अब मैं सोच रही हूँ मैं सो जाऊँ क्योंकि आज मैं ट्यूशन भी नहीं गई क्योंकि मेरी तबीयत नहीं सही, रोज़ा लग रहा है बहुत ज़्यादा। तो अब मैं सो रही हूँ, अब मैं आपको सोने के बाद मिलूँगी। इसलिए नहीं सही, मुझे अचानक से याद आ गया मैंने तो अभी कुरान भी पढ़ना और नमाज़ भी पढ़नी है। तो इस वजह से अभी मैं कुरान नमाज़ पढ़ के सोऊँगी और यहाँ पर अभी मम्मा दही जमा रही हैं। इस बड़ा आसान तरीका होता है दही जमाने का, आप लोगों को भी पता होता है। बाकी सब घर बाहर से दही लाते हैं, हम लोग घर पर दही जमाते हैं। ये देखें, यहाँ पर मम्मा ने थोड़ा सा दही डाला है और ये दूध दही और दूध से बनता है और इसको फ्रिज में रखेंगे। उबाला देख कर ना आपने दूध में और ये इसको दही में डाल देना जो आपने थोड़ा सा दही निकाला था उसमें, और फिर इसको रख देना कहीं गर्म जगह पे, जैसे कहीं साइड पर रख देना और ये दही बन जाएगा। 5 मिनट रखते हैं, नहीं 5 घंटे रखते होते हैं। तो अभी मैं नमाज और कुरान पढ़ लूँ फिर आपसे मिलती हूँ। यहाँ पर अभी इफ्तारी की तैयारियाँ करना शुरू हो गए हैं हम लोग क्योंकि 4:30 तो बज गए हैं। और यहाँ पर समिया बना रही है देसी तरीके से चटनी। ये देखिए, यहाँ पर बन रही है पुदीने की चटनी, वो भी इसमें डलती है, सिर्फ थोड़ा सा पुदीना डलता है और यहाँ पर मिर्चा डलती है और बहुत कमाल की बनती है चटनी, मज़ा ही आ जाता है खाकर। हम ये दही भल्लों में यूज़ करते हैं चटनी, आप भी बना सकते हैं और अपने घर वाले दही भल्लों में यूज़ कर सकते हैं। सो गाइज़, ये अभी हमारे व्लॉग में चल रहा है वाकया सेगमेंट और यहाँ पर मैं आपको एक वाकया बता रही हूँ। अब मैं अपने रोज़ व्लॉग में एक वाकया आपको ज़रूर बताया करूँगी जिससे आपके इल्म में इजाफा होगा। तो आज मैं आपको एक ऐसा वाकया बता रही हूँ जिससे वो बच्चा नमाज़ पढ़ना स्टार्ट होता है। तो मैं आपको वाकया बताना शुरू करती हूँ। तो गाइज़, मैं अब आपको वाकया बताना स्टार्ट करती हूँ। तो एक बच्चा हुआ करता था, वो बहुत शरारती था, वो हर वक्त उछल कूद ही करता रहता था। उसको अपने काम की कोई फिक्र नहीं थी कि मैंने क्या करना है, मैंने अपना काम भी करना है। उसकी माँ बहुत परेशान थी कि मेरा बेटा हर वक्त करता क्या रहता है। तो वो बेटा ना उसका बहुत लालची था कि मतलब कोई काम, उसको कोई इनाम दोगे तो वो काम करेगा वरना उसने कोई काम नहीं करना। तो उसकी माँ ने एक तरकीब सोची, क्यों ना इस बात का फ़ायदा उठाया जाए और इसको नमाज की तरफ माइल किया जाए। तो उसकी माँ ने अपने उनके बेटे को समझाया, बेटा जो नमाज़ पढ़ा करता है ना, अल्लाह ताला उसको रोज़ एक इनाम देता है, मतलब हर नमाज पर उसको कोई ना कोई इनाम देता है। तो वो बेटा लालच में आ गया कि मुझे रोज़ इनाम मिलेगा तो मैं क्यों ना नमाज़ पढूं। तो वो रोज़ नमाज़ पढ़ना शुरू कर दिया और उसने और उसकी माँ रोज़ एक तोहफ़ा उसके लिए रख दिया करती थी, रोज़ एक तोहफ़ा रख दिया करती थी। उसका बेटा तो खुश होता गया कि ये देखो मुझे तो नेकियाँ भी मिल रही हैं और मुझे ये इनाम भी मिल रहा है, मैं तो अब कभी भी ज़िंदगी में नमाज़ नहीं छोड़ूंगा। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि उसकी माँ को एक अर्जेंट बाज़ार जाना पड़ा और उसकी माँ भूल गई वहाँ पर तोहफ़ा रखने के लिए। उसकी माँ तो बहुत टेंशन में थी कि अब मेरे बेटे का अल्लाह पर ईमान नहीं लाएगा, वो तो कहेगा ये सब झूठ है वगैरह वगैरह। लेकिन जब वो घर आई टेंशन में तो वो देखा कि उसका बेटा तो सब कुछ नॉर्मल कर रहा है, मतलब उसने नमाज़ भी पढ़ ली है एंड सब कुछ अपना खाना वगैरह कर रहा है। तो उसने उस माँ ने अपने बेटे से पूछा, बेटा आपने नमाज़ पढ़ ली? तो उसका बेटा कहता, जी मामा मैंने नमाज़ पढ़ ली है। और उसने बताया, मम्मा आज मुझे एक टॉफ़ी की बजाय पूरा डब्बा टॉफ़ी का मिला। ये सुनकर उसकी माँ बहुत खुश हो गई और उसका ईमान अल्लाह ताला पर और पुख्ता हो गया। इससे हमें ये सबक मिलता है कि हमें नमाज़ भी पढ़नी चाहिए और देखिए अगर हम नमाज़ पढ़ेंगे तो हमें ही नेकी मिलेगी, किसी और का कुछ नहीं जाएगा। हमें अपने आखिरत के लिए नमाज़ पढ़नी चाहिए। तो आज था मेरा ये वाकया, कल एक अच्छे वाकये के साथ ज़रूर आऊँगा। हमारी इफ्तारी के लिए दही बल्ले रेडी हो चुके हैं, ये बड़े अच्छे बनाती हैं मम्मा, आज भी बहुत अच्छे बने। और यहाँ पर साइड पे हमारे शामी कबाब रखे हुए हैं
बस अब शामी कबाब भी आज बनेंगे हमारे घर में, तो पकोड़े भी रेडी हैं, शामियाँ भी रेडी हैं, बस अब ये पोटैटोज बन गए हैं और ये चिप्स बन गई हैं मज़े की, रहते हैं और थोड़ी सी चिप्स रहती हैं फ्राई होने के लिए। एक रोज़ा ओपन होने में सिर्फ तो सिर्फ 30 मिनट्स रह गए हैं, बड़ी खुशी हो रही है कि 3 रोज़े कम्प्लीट हो गए हैं हमारे और हमें बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा और हमारे सारे रोज़े कम्प्लीट हो जाएंगे। और मैं आपसे ये बात करना चाहती हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करें, मुझे लाइक करें, मेरे शेयर करें, मेरे वीडियोस को, मेरे चैनल को मस्त सब्सक्राइब करें, अभी कर दें प्लीज़। चिप्स फ्राई हो रही हैं और बाकी सब कुछ हो गया और बस समोसे रह गए हैं, फिर हमारी अफ्तारी शुरू हो जाएगी। इस अफ्तारी की सब चीज़ें बन गई हैं, अब मैं आपको दिखाती हूँ हमने आज अफ्तारी में बनाया क्या क्या। हमने समोसे बनाए हैं, ये हमने बेसन लगा कर चिप्स बनाए थे, देन हमने शामी बनाई थी और पकौड़े बनाए थे और हमने बनाई थी चिप्स बनाई थी और बनाए थे हमने दही बल्ले, रोल बनाए थे और बनाया था हमने टैंग। अभी अपने लिए कोई अफ्तारी बनाते हैं तो सबसे पहले आप देख लिया करें कोई इंसान भूखा तो नहीं है, जिसके पास अफ्तारी बनाने के लिए कोई चीज़ ना हो आप उनको ज़रूर रोज़ एक प्लेट भेजा करें अपनी तरफ से, इससे आपको बहुत सवाब मिलेगा। हम भी सबसे पहले अपने सर्वेंट्स की प्लेट निकालते हैं, अफ्तारी के बाद मिलेंगे। देखिए मैं कितना थोड़ा खाना खाती हूँ, बस इतना ही खाती हूँ। यहाँ पे मेरा ब्लॉग एंड होता है, मिलेंगे एक और अच्छे ब्लॉग के साथ, कल मिलेंगे एक अच्छी सहरी और अफ्तारी के साथ। अभी से आप मेरे चैनल को कर दे सब्सक्राइब, वीडियो को कर दे लाइक, शेयर कर दे और कमेंट कर दे और मुझे सपोर्ट करें। अल्लाह हाफिज़, मिलेंगे कल।